बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम अहले खानों को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ना करे कभी कोई गम कोई दुख कभी आपकी ज़िंदगी में आए आने सुनाने। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो मौसम माशाल्लाह बहुत बहुत ही प्यारा हो रहा है, देखें आप अखबार पढ़ रही है हल्की हल्की। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ अपने किचन में, जगह काम करना शुरू कर रही हूँ रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक। तो इस वक्त मैं जाऊँगी किचन में और करूँगी अपना काम, तो आप मेरे साथ रहिएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें फिर चलते हैं किचन में, पहले कर लेते हैं चूल्हा साफ। तो रोज साफ होते हैं सुबह शाम। इस चूल्हे में कुछ भी नहीं बनाती लेकिन ना ये चिकना हो जाता है साफ साफ। चलो साफ कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चूल्हा मैंने साफ कर लिया है और बर्तन में धोने लगी हूँ, आप साफ नहीं हो। तो अब मैं धो रही हूँ बेसन। तो बेसन देखो मैं ऐसे धोती हूँ, ऐसे सिर्फ डाल लेती हूँ और ये प्लास्टिक की कोई भी थैली हो जैसे उससे धोती हूँ और फिर उजारे फेंक देती हूँ, क्योंकि मैंने धो दी।
ये अच्छा है मतलब ना बेसन, वो पहले गंदा सा बेसन था पुराना, वो भी अच्छा था लेकिन वो छोटा था, वो तो चेंज कर लिया ना हमने। ये अच्छा है मतलब जैसे कचरा वचरा होता है ना इसमें जमा हो जाता है, तो फिर इसको निकाल के हम कचरा शॉपर में डाल दें और इसको धो के फिर इसके ऊपर वापस रख दें। ये देखें कैसे, इसको धो लेते हैं कचरा फेंक देते हैं। चलो बेसन भी होगा साफ सुथरा, साफ शफाफ हाथ धो लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन मशीन मेरा हो चुका है साफ शफाफ, सारा काम मैंने कर लिया किचन का, बर्तन भी धो लिया, बेसन भी धो लिया, चूल्हा भी साफ कर लिया, मसलेके भी साफ कर लिए। चूल्हा आपको दिखाती हूँ, देखो माशाल्लाह साफ सुथरा हो गया चूल्हा, सड़कें भी साफ सुथरी हो गई हैं और बर्तन भी धो चुकी हूँ, बेसन भी साफ सुथरा हो गया, तो टूटी भी धो दी, तो किचन का मेरा काम हो गया है कंप्लीट। तो अब मेरे तोते मुझे बुला रहे हैं, उनको मैं खाना वाना देती हूँ जाके। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलती हूँ अपने किसी नए व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। उस वक्त के लिए इजाज़त दें, अपना अपने प्यारों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय।